न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ शाहीनबाग में नागरिकता कानून के खिलाफ फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन को शुरू करने वाले कुछ नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है कि अब उनके सुर बदल चुके हैं, अब उन्हें शाहीनबाग से लेकर मौजूदा किसान आंदोलन भी बेनामी लग रहा है। उनका मानना है कि किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए ताकि और शाहीनबाग में भी अब पहले की तरह समर्थन नहीं मिलेगा। जी हाँ, पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों ने बीते 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे करीब 2 दर्जन विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और विभिन्न किसान संगठनों का समर्थन मिला था। इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधि से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से भी कोई रास्ता नहीं निकाला गया। अब दिल्ली के बॉर्डर पर दिन रात बैठे किसान 3 कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कानून के कुछ विवादास्पद हिस्सों में संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि नए कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। लगभग 17 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं। हमें इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की। अब सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि आखिर आंदोलन की असली वजह क्या है। दरअसल 20 और 22 सितंबर 2020 को भारत के संसद ने कृषि कानून संबंधी 3 विधेयक को पारित किया था। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इन कानूनों के जरिए मौजूदा MSP यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसान के साथ अनुबंधीय खेती, खाद्यान्न की खरीदी और भंडार के अलावा बिक्री करने का अधिकार है। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने में किसानों को मुश्किल की बढ़ेगी। हालांकि 3 नए कानूनों में MSP मंडियों के बंद करने या MSP सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों के इस बाजार में आने से अंत में यही होना है। दरअसल 2019-20 में केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा के 80,000 करोड़ रुपए के गेहूं और धान की खरीदी की। इनमें से अधिकांश किसान छोटे और सीमांत थे। जी हां, निजी कंपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीदी कम कर सकती है या बंद कर सकती है। इस आशंका के चलते पंजाब के किसानों ने इस कानून के विरोध में जून जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन में सितंबर में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में ये विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, लेकिन तब केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि 3 कानून का राजनीतिक विरोध भी होने लगा था। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान 27 से 26 नवंबर को दिल्ली की सीमा तक पहुंचे। इसके बाद सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि इस कानून से आखिर किसको नुकसान है और किसको फायदा है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल किसान संगठनों का कहना है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले वक्त में उन्हें उनकी उपज के औने पौने दाम मिलकर करेंगे और खेती को लागत भी नहीं निकल पाएगी। इसके साथ ही किसानों को ये भी आशंका है कि सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। बता दें, नए कृषि कानूनों का लक्ष्य है कि स्टोर में रखने और मार्केट में बिक्री के लिए आने वाली उपज में तब्दीली जाए, यानी कि किसान 3 कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे इन कानूनों में किसी संशोधन के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि अगर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन 3 कानूनों को निरस्त कर सकती है तो करें। दरअसल किसान संघ कृषि उत्पादों की MSP से कम मूल्य पर खरीद के दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा धान गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को भी सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार इन 3 कानूनों को लेकर किसान नेताओं के कई वर्गों से बात की है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में निजी कंपनियों और रेगुलेटरी करने की व्यवस्था और फ्रेमवर्क वाले लाने की सरकार की तैयार में है। सरकार MSP बहाल रखने और MSP मंडियों को मजबूत करने के लिए लिखित आश्वासन भी देने को तैयार हो गई है, लेकिन सरकार
सरकार इस बात के लिए भी तैयार है कि इस किसान और निजी कंपनियों में किसी विवाद का फैसला अब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जरिए ही नहीं होगा बल्कि किसानों के सामने अदालत जाने का विकल्प भी होगा। लेकिन किसान सरकार के इन संशोधन से संतुष्ट नहीं है। वही किसानों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दल, बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के स्टार, खेल की दुनिया के सितारे ने चिंताएं व्यक्त की है। ट्विटर पर दलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच बीबीसी के वीडियो पर भी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कानूनों को अडानी और अंबानी कहते हुए विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों ने किसानों का साथ देने की घोषणा की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण सम्मान लौटने की घोषणा की। वही केंद्र मंत्री एमएसएसएस डिंडास ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान भी किया है। वही ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वे अपना खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। पंजाब के कई ओलंपियन और नेशनल चैंपियन विरोध प्रदर्शन में किसान के साथ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसानों के समर्थन में बयान दिया है। अब इसका असर भारत कनाडा कूटनीतिक संबंधों पर भी दिख रहा है। भारत ने कनाडा उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध जताया है। ब्रिटेन में कई सांसदों ने किसान के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं व्यक्त की है। अब ये किसान का प्रदर्शन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब इस किसान का प्रदर्शन खत्म होगा, कब किसान के जो मांग है उनको क्या सरकार पूरे कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है, क्या इस कानून की कोई राह होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।